आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और बहुत दिन के बाद क्लास आ रहा है, आप सभी को पता है एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो आप सभी बोलेंगे भैया लॉकडाउन, और आप सभी को पता है लॉकडाउन बहुत बड़ा इशू तो हमारे देश में है ही अभी फिलहाल के करंट की बात करें तो। लेकिन क्लास देने के लिए जो है वो आप सभी को चाहिए इंटरनेट नेट, जो बहुत बफर कर रहा है, बार बार कनेक्शन छोड़ दे रहा है। तो लाइव क्लास तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप सभी का शेयर करूंगा, एक डेट आप सभी याद रखिएगा रिसेंट में। देखो एग्जाम तो आप सभी का जब लॉकडाउन खुलेगा तभी आप सभी का हर एक जो भी एग्जाम है CHSL वाला या फिर NTPC ग्रुप डी जो भी एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, SCC फेस 8 DRDO का जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को 14 अप्रैल के बाद कंडीशन कैसा रह रहा है उसके ऊपर सब कुछ जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जो है एक डेट याद रखना आप सभी, 31 मार्च को रात को 9 बजे, अगर नेट पूरा सही रहा तो रात को 9 बजे ना एक पेपर मैं रेडी कर रहा हूं NTPC को लेकर, ठीक है, NTPC को लेकर एक पेपर रेडी किया हूं पूरा एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं सारा पेपर वैसा। तो 31 मार्च को रात को 9 बजे NTPC का पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चन, पूरा एग्जाम के जैसा पेपर है। और अपने आप को जज करना है कि आप स्कोर कर कितना पा रहे उस पेपर में, ठीक है। तो डेट याद रखना 31 मार्च रात को 9 बजे NTPC का फुल पेपर रात को 9 बजे आप सभी को सॉल्व कराया जाएगा। और आप सभी जो है अपने आप को जज करना कि वो पेपर में आप सभी कितना स्कोर कर पा रहे। और जो भी पेपर मैं रेडी कर रहा हूं ना वो पेपर जो है वो रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है, रेलवे का ग्रुप डी, ALP, RRB, JEE या मान लो RPF वाला एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम हुआ है उसके ऊपर जो है वो पेपर मैं रेडी कर रहा हूं। तो अपने आप को जज करिएगा कितना आप स्कोर कर पा रहे। पूरा पेपर आपको अटेंड करना है, पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक है। रात को 9 बजे आपका वो पेपर मैं आपको लाइव क्लास में जो है वो सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप सभी बोलेंगे कि भैया SSC CHSL वाला एक पेपर रेडी कर दो, जो आपका 3 दिन एग्जाम चला, 3 दिन जो एग्जाम चला ना, कैसे कैसे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन को क्या आ रहे थे और क्या स्टैटिक GK भी क्वेश्चन आ रहा था, उसके ऊपर भी एक पेपर मैं रेडी कर दूंगा अगर आप सब बोलोगे तो। लेकिन मैं आप सभी को एक पेपर अभी सॉल्व कराऊंगा 31 मार्च को। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आप मान कर चलो हफ्ते में कम से कम 3 पेपर फुल पेपर मैं आप सभी को NTPC का सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो में ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस इतना बोलना है 31 मार्च को रात को 9 बजे आप सभी रेडी रहना एग्जाम से पहले एग्जाम वाला पेपर देने के लिए रात को 9 बजे। टोटल 100 क्वेश्चन है, अपने नंबर स्कोर कर लेना आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा छोड़ देना है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपको नंबर भी कैलकुलेट करना है कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ये नहीं कि आपने 100 का 100 अटेम्प्ट किया, आपके सही कितने हुए मान लो 68 और आपके गलती कितने हो गए तो 32, तो ये 32 क्वेश्चन का निगेटिव मार्क्स, जो निगेटिव मार्क्स है वो भी आपका सही में से काटा जाएगा। तो वो भी अपने आप को ध्यान रखना, जो नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। अगर मुझे 70 क्वेश्चन आ रहा तो 70 अटेम्प्ट करेंगे, बाकी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों बाकी अटेम्प्ट करें, तो कहीं ना कहीं खुशी होगा कि 100 में मेरा जो स्कोर है ना वो भैया 70 है, पहले पेपर में जो आपने रेडी किया था एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना। सब क्वेश्चन जो पेपर के ऊपर रहता है, अगर पहला क्लास सक्सेसफुल हुआ तो मानकर चलो आप सभी के डिमांड के ऊपर ना हफ्ते में 3 पेपर, क्या 4 पेपर कम से कम आपको पक्का सॉल्व कराऊंगा एग्जाम से पहले। अब ये भी नहीं बोल सकते कि भैया सिलेबस रेडी नहीं है, बहुत टाइम मिल गया है, अब जो टाइम है वो अपने आप को जज करने का, अपने तैयारी को जो है वो ग्राफ को आगे ऊपर लेकर जाने वाला टाइमिंग है। तो टाइमिंग बस याद रखना ये वाला, और कुछ याद नहीं रखना है। इस दिन आप आ जाइएगा, और एक काम तो आपको करना नहीं है भूल से भी, क्या भैया ये वाला काम मत करना वरना मेरा मेहनत पूरा बेकार चला जाएगा। तुक्का नहीं मारना है। और रात को 9 बजे ना एक पेन
और एक पेपर लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, पेन और पेपर, ताकि आप अपने आप को बहुत सही तरीके से, सही ढंग से अपने आप को जज कर पाए कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को बताना था, और ज्यादा कुछ वीडियो में है नहीं। सुबह वाला करेंट अफेयर तो आपको डेली मिल रहा है, 4:30 बजे वाला जो क्लास है वो तो आप सभी को डेली मिल रहा है, और बहुत जन बोल रहे हैं कि भैया रात को 11:30 बजे वाला क्लास प्लीज आप कंटिन्यू करो। 2-3 दिन से नेट इतना रात को 11:30 बजे ही प्रॉब्लम कर रहा है ना, आज जो नेट है वो थोड़ा सही चल रहा है, कल रात को सही चल रहा था, तो देखते हैं रात को 11:30 बजे वाला क्लास। मैं पर्सनली चाहता हूं कोई क्लास ना हो, लेकिन दो क्लास कम से कम आपका चले, एक तो सुबह 4:30 बजे वाला और रात को 11:30 बजे वाला, तो ये क्लास भी आपका 1-2 दिन के अंदर जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा। बाकी सेफ्टी बनाकर रखो आप सभी, क्योंकि बहुत डेंजरस वायरस है, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कितना डेंजरस है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पूरे परिवार के ऊपर है, ठीक है। बहुत जन लाइटली ले रहे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आप देख रहे हैं इसी चक्कर में, कुछ नहीं होगा का चक्कर में कितने सारे देश जो है वो बर्बादी के कगार पर है। और हमारे देश में आपको पता है टेस्टिंग जो किट होता है ना, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं, वो पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं है, हमारे पास काफी नहीं है। अगर हम अपने जनसंख्या पॉपुलेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हमारे देश में एक बार ये फैल गया ना, तो बहुत बुरी तरह से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और हमारा देश अगर बर्बाद हुआ तो पूरा वर्ल्ड इसके क्या बोलते हैं चक्रव्यूह में आ जाएगा, और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया को बचा कर रखना है, और ये आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। WHO अलग अलग कंट्री के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, वर्ल्ड वार जो युद्ध हुआ था ना, वर्ल्ड वार सेकेंड, उससे भी भयानक लड़ाई हम सभी को अभी लड़ना है, और उस समय तो हम सभी को गोली बंदूक से लड़ना था, अभी किससे लड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठना है, घर में बैठना है और कुछ नहीं, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यार। मैं हमेशा बोलता हूं वीडियो में, हमेशा क्या बोलता हूं, अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखना, बोलता हूं ना मैं कभी भी, मेरा ज्यादातर आप वीडियो देखोगे मैं मम्मी पापा के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, और ये टाइम ऐसा है ना कि अपने मम्मी पापा के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। तो आप ये सोचो जो आपको टाइम मिला है ये कितना कीमती टाइम है, कितना कीमती टाइम है अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का, स्पेंड करो, मस्ती करो, ये मौका दोबारा जिंदगी में फिर मिलेगा नहीं। तो इसको ना एक वायरस की तरह मत लो, इसको ऐसे लो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। बाकी मैं बोल ही चुका हूं, सेफ रहो यार, वरना भगवान ना करे परिवार में एक भी इंसान को हो गया जो बोलते हैं हमको कुछ नहीं होगा, अगर उनको कुछ हो गया ना तो उनके साथ साथ उनके बाल बच्चे परिवार, पूरा परिवार जो है वो लपेट में आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद। सडन इसका जो रिजल्ट है वो आप बोल सकते हो भैया डेथ तो ज्यादा हो नहीं रहा है, आदमी इसका जो मरने की परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या होगा उसके बाद, आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन, यानी आपको 14 दिन तक अलग अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अभी आजादी जितना भी मिला है उस समय आजादी नहीं मिलेगा, उस समय आपके परिवार वाले भी नहीं मिल पाएंगे, और जो परिवार बचा है वो परिवार भी हॉस्पिटल का चक्कर काटते रह जाएगा, यानी आपकी एक छोटी सी गलती, समझ रहे हैं कितना बड़ा इसका पे करना पड़ेगा आपके परिवार को। तो अभी जो मिला है ना उसमें आप सभी खुशी खोजो, और खुशी क्या खोजना है, घर में पूरा परिवार साथ में, देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो स्टे सेफ। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि हर एक क्लास जो है वो टाइम टू टाइम आपका जो है वो रेडी हो जाए, इसीलिए मैंने आज पहले बोल दिया है 31 मार्च को आप सभी को रात को 9 बजे एक बहुत स्पेशल पेपर, एग्जाम वाला पेपर एग्जाम से पहले आपको मिलेगा, ताकि आप जज कर पाओ क्या कर रहे हैं घर में, कुछ टाइम भी नहीं है तो कम से कम पेपर बना रहे हैं आप सभी के लिए ताकि आप जज कर पाओ। आप बोलोगे तो अलग अलग एग्जाम का पेपर भी बना कर देंगे जो एग्जाम हाल फिलहाल में हो रहा है उसके आधार पर, ठीक है, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा। 2-3 बात याद रखना, एक तो डेट 31 मार्च रात को 9 बजे, दूसरा क्लास अटेंड करोगे पेपर अटेंड करोगे तुक्का नहीं मार रहे हैं, तीसरा बात ये हमारे सामने है कि
कि पेन पेपर लेकर बैठना है। और एक बात और, अगर आपके यहां पर नेट बहुत स्लो चल रहा है ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद डाउनलोड कर लेना और रोक रोक कर वीडियो देखना कि आप पेपर में से कितना अटेंड कर पा रहे हैं। इजी ना? चलो और कुछ नहीं बोलना है, अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी आप सभी को ख्याल रखना है, ठीक है? चलिए।